हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस किचन फॉरएवर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे केले का कोफ्ता लेकर आई हूँ। ये देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे बनाते हैं। तो केला का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें एक कप पानी मैंने ऐड किया है और इसमें हम डाल देंगे दो आलू और तीन केले। तीन केलों का यूज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो केलों को दो पीसेज में काट कर मैं इसे बॉयल होने के लिए रखूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन केला मैंने ऐड किया है और दो आलू ऐड किए हैं। तो एक कप पानी के साथ मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और दो से तीन सीटी आने तक इसे बॉयल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तीन सीटी लगाकर मैंने केले और आलू को बॉईल कर लिया है। और बाकी मसाले जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो एक प्याज मैंने लिया है, एक टुकड़ा अदरक का और दो हरी मिर्च। इन तीनों को हम इसमें चॉप कर लेंगे। ये चॉपर है तो इसमें हम तीनों चीजों को चॉप कर लेंगे। और बाकी के सूखे मसाले जो मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच नमक लिया है, हाफ स्पून हल्दी ली है, हाफ स्पून धनिया पाउडर और हाफ स्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। सबसे पहले हम केले को छीलकर इस बॉल में डाल लेंगे। तो बॉयल हो जाने के बाद इसे छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। तो ये सारे केलों को और आलू को हम इसी तरह से छीलकर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं केले और आलू छिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चॉपर लेंगे और प्याज हरी मिर्च और अदरक को चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से तीनों चीज चॉप हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने प्याज हरी मिर्च और अदरक लिया है। प्याज मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का लिया था। आप अगर प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। तीनों चीजों को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इन सारी चीजों को या तो हाथों से मैश कर लेंगे या फिर किसी मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैश करना है। देखिए ये सारी चीजें मैश हो गई हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रीमी वाला टेक्सचर लाने के लिए 50 ग्राम पनीर भी ऐड कर रही हूँ। इसे आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो हल्दी, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसके बाद ऐड करेंगे बेसन। तो अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ। तो दो बड़े चम्मच बेसन अभी मैंने ऐड किया है। फिर जरूरत के हिसाब से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको पानी मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बेसन मिलाने से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग इसमें आ जाती है। जैसे सारी चीजों को मिलाते हुए हम इसे अच्छे से एक आटे की तरह गूंद लेना है। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, हाथों को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो आप छोटे बड़े जैसे भी बॉल्स चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। इस तरह के बॉल्स हमें बना लेने हैं। अगर आप इसमें आलू ना डालना चाहें तो आप सिर्फ केले और बेसन को मिक्स करके भी ये तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे बॉल के आकार का मैंने इसे तैयार किया है। ये देखिए तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं और गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे फटाफट फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। अब हम एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सारे कोफ्ते इसमें मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे कोफ्ते बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ाई में बहुत सारा तेल है, तो आधा तेल हम निकाल लेंगे किसी भी कटोरी में।
तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर रखा है, तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे, इसी तरह चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच से मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे ऐड कीजिए। और यहाँ पे हम टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर लिया था और उसमें 2 हरी मिर्च डालकर इसे पीस लिया था। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि तेल अलग हो जाए। मसाले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस ग्रेवी को बॉईल होने देते हैं, फिर इसमें सारे बॉल्स हम डिप करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है, सारे बॉल्स इसमें हम डिप कर देंगे। ऊपर अच्छे से ग्रेवी के साथ इसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट और बॉईल होने देंगे। अच्छा सा बॉईल आ गया है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम गैस ऑफ कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे केले के कोफ्ते बिल्कुल रेडी है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पर अगर आप ग्रेवी अपने अनुसार रखना चाहते हैं, पतली या गाढ़ी, तो इसे पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कच्चे केले का कोफ्ता ये मैंने आपके सामने सर्व कर दिया है। और ये देखिए कितना मजेदार लग रहा है। आप इसे लंच या डिनर किसी में भी बना सकते हैं, राइस के साथ, पराठों के साथ, हर चीज के साथ ये सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार लगती है। तो इसे बनाएं और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करते रहिए। लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।